कि आप गाड़ी चलाते हो तो बेल्ट बांध दो, बाइक चलाते हो तो हेलमेट बांध दो, खाली करो चौथ तो भरोसा मत रहो। बात तो बराबर ही है। आप हंसिए, आप हंसिए। क्यों हंसूं? पैसे पांच रुपए दो। पर आप हंसते हैं तो आपका दांत तो दिखता है। नहीं करता। ये बताइए आप ब्रश किस चीज से करते हैं? बच्चे तो मुंह में सिर्फ मसूड़े हैं, आपको उंगली करना चाहिए ऐसे ऐसे। लेकिन जनरली मैं जानना चाहती हूँ, मेरा भी ये उम्र आएगा अगर भगवान ने आशीर्वाद दिया तो, और जल्द ही आएगा। भगवान देखो, भगवान के सम्मान मत घसीटेगा, भगवान बड़े अच्छे आदमी है। देखो हमारे ब्रश करने से तुमको क्या लेना देना, अब ऐसे पेश खत्म हो गया है, तुम्हारे पेश खत्म हो गया है, हमें ब्रश करूँ किससे? लीली क्या है? मामा जी, घर की ऐसी छुपी बातें नहीं बताते, पूरे परिवार में फैल जाएगा, मीडिया में आ जाएगा, रजनीशपुर के पास पेस्ट नहीं है, पेस्ट नहीं है, नहीं है, अंदर रखा हुआ है, छिपा करके, छिपा करके आपसे। मैं खाता हूँ क्या उसको जो छिपाया? क्या यार, अगर इनका दिमाग बिगड़ गया ना तुम्हारा मकान का नक्शा दोनों बिगाड़ देगी दो मिनट में। वो कह रहे चलता तो यही हमको याद दिलाया। क्या हुआ? वो जो आप गाड़ी चलाते हो तो बेल्ट बांध दो, बाइक चलाते हो तो हेलमेट बांध दो, खाली करो चौथ तो भरोसा मत रहो। बिना चटनी काम चल जाएगा। बिना चटनी का आप बहुत काम चलाते हैं मामा जी। आप ऐश करना सीखिए। क्या सीखे? ऐश करना, जो मिल रहा है सब लाओ, इस उम्र में यही होना चाहिए। आप बड़े तजुर्बेकार लगते हो उम्र के मामले में, कहाँ से? ये जो धीरे धीरे बाल सफेद हो रहे हैं, ये मैंने धूप में सफेद नहीं किए, अनुभव की सफेदी है ये। तो आपके पास कितना? 3.5 बाल तो टोटल है सफेद आपके। नहीं मामा जी, सफेद हो रहे हैं, अब नहीं होंगे तो कब होंगे, सफेद हो रहे हैं। आप जब धीरे धीरे एज हुए, एजिंग प्रोसेस जब चालू हुआ, तो आपको कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। अड़ोस पड़ोस कोई ऐसे कि अरे बूढ़े लगने लगे हैं आप? तो वो अपने चश्मा बदले, हम क्या करें? सुन रहे हो? बहुत, पर मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आज के टाइम पे हम अपने हस्बैंड और बॉयफ्रेंड को बोलते हैं, वो हमें एक्सेप्ट नहीं करता, मैं जैसी हूँ उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना होगा और नहीं तो मैं उसके साथ नहीं रह सकती। पर वाकई में देखा जाए तो हम लोग खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ज़रा सा कुछ चेहरे पे हुआ, जाकर डॉक्टर के पास हम चेंज होना चाहते हैं, क्योंकि हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करते कि हम ऐसे लग रहे हैं। धीरे धीरे तो चेंज होगा ना। तो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाता। आप तो डेंटिस्ट के पास भी नहीं जाते। आप लोगों में से कुछ लोगों ने कहा ना, इनका दांत बनवा दो, पूछो बनवाएंगे? नहीं। बोलो बोलो। क्यों क्यों बनवाओ? कल आप बोलेंगे दांत बनाओ, परसों बोले चेहरा बना, परसों बोले कि तुम अपनी गर्दन बदलो, मैं क्या क्या करूँगा? मतलब जरूरत नहीं है तो क्यों छेड़छाड़ करना वाला ये हिसाब किताब? अरे यार पैसा मेरे पास नहीं है, बात क्यों नहीं समझती? देखा, फिर गोल गोल घुमा के मुझे फंसाया ना। कैसे फंसेगा? मैं देती हूँ डेंटिस्ट का पैसा, दांत बनवा लो। दांत बनवा लो आप, पैसा दो। दे दिया, निकालो। आपको क्यों दो, डॉक्टर को दूंगी। पैसे को जमा कर लूंगा अपने अकाउंट में, गिनती करूंगा रोज करके नोट कर लूंगा, वो मजा आएगा। मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ आपके चक्कर में, कर नाश्ता नहीं मिलेगा। पैसा देखने के लिए, गिनती करने के लिए।
मामा जी ने बता ही दिया पेस्ट घर में खत्म है। नीता ने नहीं बताया कि घर में तेल खत्म है। गजब करना इंसाफ ही है, जो होना है नाक कटाने वाली चीज हो रही है। तेल है मेरे पास।
मुझे तेल में तलना चाहिए, लेकिन मैं झटपट के लिए इसको सूखा जला लिया है, मतलब सेक लिया है, और इसको डालूंगी चटनी में, क्योंकि मुझे चाहिए तीखी चटनी। चटनी का मतलब तीखा बना, लेकिन मामा जी को तीखा नहीं पसंद है, इसलिए फीका बनाया था। अब हो गया ये तीखा। हेयर रेमेडी कर लिया, और क्या किया वो अभी इसलिए नहीं बता रही हूँ बिकॉज़ आई डोंट नो ये हिट होगा या फ्लॉप। मैं जो चीज़ें करके मुझे फ़ायदा होता है वही आप लोगों से शेयर करती हूँ, और या फिर वो चीज़ें शेयर करती हूँ जो बिल्कुल नुकसान कर सकता है। तो मैं जा रही हूँ खाना खाने। खाने में है गोभी का भुजिया, अचार, हरी मिर्च, नमक, रोटी। बस आज सिंपल सा खाना है। मामा जी अभी नहीं खा रहे। आप कितने बजे खाओगे? अभी क्या टाइम हो रहा है? 7:15। मेरे लिए 7 बजे डिनर टाइम हो जाता है, 9 बजे गुड नाइट टाइम हो जाता है, लेकिन जब घर पे कोई और भी रह रहा होता है तो टाइम थोड़ा चेंज कर लेती हूँ मैं। मिट्टी के बर्तन मैंने कहाँ से लिए आप लोगों ने पूछा है, वो मैंने पंचगनी के लोकल मार्केट से लिया था। मैं ऑनलाइन मिट्टी का बर्तन नहीं लेती। मॉल्स में जो मिलते हैं मिट्टी के बर्तन, उसका एक्सपीरियंस मेरा बहुत बहुत बुरा है। लोकल मिट्टी का बर्तन सबसे अच्छा होता है, अदरवाइज़ जो मॉल वाले बर्तन हैं उसमें खाना ढंग से नहीं पकता, और वो थोड़ा मुझे लगता है कि हार्मफुल हो सकता है। थैंक यू, आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है इस तरीके का, लेकिन मैं खुश हो जाती हूँ कि मेरा वीडियो नहीं, आपको ऐसे सिंपल लाइफ पसंद आ रही है, बिकॉज हमारे वीडियो में सिंपल लाइफ ही तो है। देर इज़ नो प्रेशर, देर इज़ नो भागम भागी, बस मामा जी भाग रहे हैं। ओ मामा जी, आपको ये लोग मिस करेंगे। तो देखो बच्चों, मैंने एक नया चैनल शुरू कर दिया है जिसमें गप्पा मारूंगा आप लोगों से। आप गप मारना, मेरी बकवास सुनना आप लोग, बड़ा अच्छा रहेगा, टाइम वेस्ट होगा हमेशा तरह से। आप लोग टाइम बर्बाद करोगे और मैं आप लोगों को टाइम बर्बाद करूंगा। मन की पाठशाला पे बोल रहे हो? मन की पाठशाला बाबा, वो तो दूसरे लोगों को के लिए है, वो छोड़ो सबके नहीं। भांजे भांजे से कहीं और मिलोगे? करेंगे, गपबाजी करेंगे, खुश रहेंगे, क्या सोचना है अपना। अरे जब तक जियो खुश होके जियो, है ना? मेरी तरफ से खाना बहुत टेस्टी है, नीता ने बनाया। आप लोगों में से घरों ने पूछा आपकी कुक कहाँ है, वो खाना क्यों नहीं बना रही। तो नीता बिहार से, उसको सांभर या इस तरह का खाना नहीं आता, वो जो हम लोग इम्प्रोवाइज खाना बनाते हैं या साउथ इंडियन या दूसरे स्टेट के, वो सिंपल बिहारी खाना खाती है। और मिट्टी का बर्तन हैंडल करना उसको नहीं आता, वो गांव से है, लेकिन उसने कहा हाँ दीदी इसमें हम कभी खाना नहीं बनाया है, दीदी हम इसको धोए भी नहीं हैं। तो उसको बताना है, सिखाना है, धीरे धीरे सीखेगी। क्योंकि मैं जब मिट्टी का बर्तन यूज़ करती हूँ तो प्रेफर करती हूँ कि मैं खुद से ही उसको हैंडल करूँ, क्योंकि थोड़ा सा डेलिकेट तो होता है। मामा जी ने भी खाना खा लिया और सब बिल्कुल सोने वाले मोड पे। मैं सोने जा रही हूँ, आप लोगों से कल मिलूंगी फिर नए दिन के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए, मैं सच बता रही हूँ, अपना ख्याल रखना प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि हम जब अपना ख्याल रखते हैं तभी दूसरे का ख्याल रखने के लायक हो सकते हैं, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए आज कल मैं अपना बहुत ख्याल रख रही हूँ। तो इसी के साथ मैं वीडियो का अंत कर रही हूँ। आज के लिए इतना ही। राम राम, जय भारत, शब्बा खैर एंड गुड नाइट एंड लव यू।